आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो जुबिलेंट फूड लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। कल के दिन पे हमने देखा जुबिलेंट कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट किया गया है डिविडेंड के लिए। ये एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है, कंज्यूमर सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम है और उसमें से एक बेहतरीन फंडामेंटली स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, वो है जुबिलेंट फूड्स। अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, रिसेंटली काफी करेक्ट भी हो चुका था 480 के लेवल्स तक और उसके बाद काफी शार्प बाउंस बैक आया है और 510 के लेवल्स पे ये सस्टेन हो रहा है। एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी में ये स्टॉक आ चुका है, जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है अपर लेवल्स पे। ये स्टॉक नॉन स्टॉप कह सकते हैं, यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट रैली बनता है विच इज अबाउट 515 लेवल्स। आज भी लग रहा था कि 515 के ऊपर 521 526 तक ये स्टॉक जाएगा, लेकिन 515 पे काफी समय कंसोलिडेट होने के बाद क्योंकि निफ्टी और मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया उस वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, लेकिन क्लोजिंग अगेन 510 के आसपास ही दिया। तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जुबिलेंट फूड और इस समय स्टॉक पे आपको कह सकते हैं वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है तो जरूर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरऑल कह सकते हैं माहौल का एनालाइज कर लेते हैं। आज के दिन पे आज हमने देखा निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही गैप डाउन ओपनिंग होते हुए 15400 का जो दो बार हमने कह सकते हैं रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रही थी पिछले हफ्ते। कल के दिन पे हमने गैप अप ओपनिंग देखा और उस लेवल पे फिर से हमने नहीं देखा था कल के दिन पे निफ्टी को आते हुए, यानी अब क्लियर हो चुका है कि 15400 एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के लिए, जो आज भी हमने 3 बार टेस्ट किया नीचे की तरफ लेकिन उसके नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दिया, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, क्रूड ऑयल $120 $125 से नीचे अब $110 पे आ चुका है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा, जो आज सुबह यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आने वाले हफ्तों से वो गैसोलीन पे टैक्सेस रिड्यूस करेंगे, जिसका कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा एक पॉजिटिव असर होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। चौथा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जो सपोर्ट था 15700 का, जिसे करीबन हमने 1.5 से 2 महीने पहले 3 बार टेस्ट किया था और फिर ऊपर की तरफ हम गए थे और रिसेंटली वहीं से ब्रेकडाउन हुआ था, तो अब वो रेजिस्टेंस लेवल बन गया है 15800 15750 के आसपास का। और जिस हिसाब से निफ्टी 15750 को 15400 के लेवल्स को आज के दिन पे क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया निफ्टी ने, बाउंस बैक क्लियर कट बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो टेक्निकली पुल बैक रैली टेक्निकली बाउंस बैक बनता है और कल के दिन पे जो पुल बैक रैली था उसे पुल बैक रैली नहीं कह सकते, वो एक प्रॉपर फ्रेश बाइंग वाली रैली थी, क्योंकि जब भी पुल बैक रैली होता है या शॉर्ट कवरिंग होता है तो उसमें नीचे की तरफ बार बार हम कह सकते हैं उसी दिन डिटोरिएट होते हैं। लेकिन कल का अगर ग्राफ देखें निफ्टी और सेंसेक्स का तो कॉन्स्टेंटली हायर लो और हायर बॉटम सी बन रहा था, नीचे की तरफ नहीं आ रही थी निफ्टी और फ्रेश बाइंग आ रहा था। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है इस समय मार्केट को ऊपर की तरफ फिर से ले जाने के लिए। वीडियो की शुरुआत में 2 सर्विसेज का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे YouTube लाइव आपको ज्वाइन होना है एवरी सैटरडे दोपहर को 3 बजे। आपके जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप YouTube लाइव में जुड़ जाइए, उसी समय उसके आंसर्स दीजिए। दूसरा तरीका है यहाँ पे एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए। 30 डेज 90 डेज 2 तरीके के पैकेज अवेलेबल है। दोनों ही पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, एफएनओ बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर कैश इक्विटी बेसिस पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवाइजरी प्रोडक्ट में आपके एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा, साथ ही में आपको मार्केट आज में आप हमारे साथ फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट एडवाइजरी प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में अलॉटमेंट दीजिए, साथ ही में YouTube लाइव में जुड़ जाइए। डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे जुबिलेंट फूड का लेटेस्ट न्यूज क्या है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, कल के दिन पे डिविडेंड का एक रिकॉर्ड डेट दे दिया है, अनाउंस कर दिया है कि कौन से दिन पे डिविडेंड आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होगा, ये आपको कल के दिन पे स्पेसिफिकली बताया गया है। और अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय एक ब्रेकआउट की रैली की तैयारी में आ चुका है, तो इस स्टॉक पे जरूर ध्यान दीजिए। YouTube लाइव के डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सैटरडे दोपहर को 3 बजे YouTube लाइव में जुड़ जाइए 25 जून को। और साथ ही में एडवाइजरी प्रोडक्ट आपके सामने डिटेल्स दिख रहे हैं। और भी कुछ अगर इस स्टॉक के इस एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो कमेंट, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, फोन पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और उसी समय आपको पूरा डिटेल में इस पर्टिकुलर एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा डोमिनोज ऑपरेटर जुबिलेंट फूडवर्क्स फिक्सेस रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड नो डिटेल्स, तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे अनाउंस दे दिया है और यहाँ पे स्पेसिफिकली अब क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूड को, जुबिलेंट फूड के इन्वेस्टर्स को स्पेशली। अगर आप देखें तो जुलाई 11 का उन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है जुबिलेंट फूड के कह सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड के लिए, तो 11 जुलाई को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया गया है फॉर डिविडेंड ऑफ दिस जुबिलेंट फूड। रिसेंटली अगर हम देखें तो डिविडेंड डिक्लेयर किया था ₹1.20 के हिसाब से क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के समय पे, तो अच्छा खासा आप कह सकते हैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी स्टॉक का आया था। MK ग्लोबल की बात करें तो ₹605 का टारगेट है MK ग्लोबल की तरफ से जुबिलेंट फूड का, और करीबन ऐसे 11 अच्छे वेल एस्टैब्लिश स्टॉक्स है जो ऑलमोस्ट सब डेट फ्री स्टॉक्स है, जिनका अब कह सकते हैं करेक्शन लेवल 40% के आसपास आ चुका है फ्रॉम डे उसके ऑल टाइम हाई से, अगर हम देखें 52 हाई से देखें, और इसीलिए उसमें एक स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क्स भी है जिसका ऑल टाइम हाई था करीब 52 हाई अगर हम देखें तो 915 था, वहां से ये स्टॉक 517 510 पे मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 40% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे 26% अपसाइड दिख रही है पुल बैक रैली में, और वो स्टॉक वो लेवल्स होके 653 के आसपास के। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो एक महीने का हाई 572 का है, अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट आपका होना चाहिए 575 का, तो अगर 510 515 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म टारगेट 575 का आप लेके चल सकते हैं। 3 महीने का अगर आपका स्पेसिफिकली ड्यूरेशन है, आप 3 महीने का हाई देखें तो इसका है हाई ₹600 का, तो अगर आपका मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो एटलीस्ट 625 तक का टारगेट रखें, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए तो एटलीस्ट 700 के आसपास का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट 575, सेकंड टारगेट 625, थर्ड टारगेट अबाउट 700 लेवल्स। रिजर्व्स देखिए ग्रोइंग मोड में कंपनी के, 2018 में कंपनी के रिजर्व थे 980 करोड़, इस बार है 1970 करोड़ के आसपास। लॉन्ग टर्म डेट कंप्लीटली जीरो, शॉर्ट टर्म डेट कंप्लीटली जीरो, पिछले 5 सालों से कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। कैश इक्विवेलेंट देखें तो वो भी ग्रोइंग मोड में दिख रहे हैं, 128 करोड़ से 540 करोड़, पिछले 5 सालों में कैश इक्विवेलेंट भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रो हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है 42%, पब्लिक होल्डिंग्स है करीबन यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 10% के आसपास, DIS 15% के आसपास, और FIS की बात करें तो 32% के आसपास FIS का होल्डिंग है। जुबिलेंट फूड का अगर मई मंथ का म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो बाइक आया है यहाँ पे 64 लाख क्वांटिटी का, तो 64 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पे बाय हुए इन द मंथ ऑफ मे। 78 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है और साथ ही में 19 म्यूचुअल फंड कंपनी सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया वो है 64 लाख क्वांटिटी का। रिसेंटली रिजल्ट देखे जुबिलेंट फूड के क्वार्टर 4 के, तो पिछले मार्च में 1036 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 1170 करोड़ का रेवेन्यू, पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 138 करोड़, इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 154 करोड़, पिछले साल नेट प्रॉफिट 104 करोड़, इस बार नेट प्रॉफिट 116 करोड़ के आसपास। तो रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया है स्टॉक के, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटल्स है, एक ब्रेकआउट पे आ चुका है ये स्टॉक, इमीडिएटली ब्रेकआउट 550 560 के लेवल तक हमें देखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेट अवे कल की तरह पुल बैक रैली में पार्टिसिपेट करती है। फिर से एक बार आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।